हेलो एंड वेलकम मैं हूं आपके साथ डील मास्टर निशा बाजवा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्स स्टेबल जो जीता वही सिकंदर अब ये शो क्या है और यहां क्या होने वाला है इसे बयां करने के लिए दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगी तेरे तीर की ताकत कमान में है तेरे तीर की ताकत कमान में है देख तेरी उड़ान आसमान में है यहां मिलेंगे दुनिया भर से आए उन स्टार्टअप से जिनके आइडियाज जिनके यूनिक आइडियाज उनके इरादों को उनके सपनों को सपोर्ट यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उनकी इसी जरूरत को पूरा करेंगे हमारे हॉर्सेस जिनका नाम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सूरज की तरह चमकता है सो लेट्स बिगिन द शो विद लेडी लक प्लीज वेलकम द ब्यूटी विद ब्रेन एंड लॉट्स ऑफ करेज दीक्षा खुड्ढा और अब आपको मिलवाते हैं हॉर्सेस स्टेबल के सबसे एक्सपीरियंस्ड हॉर्स महावीर प्रताप शर्मा से एंड नाउ लेट्स वेलकम आवर सुपर हॉर्स हु इज अ म्यूजिक लवर विद अ बिजनेस माइंड वेरी चैलेंज्ड अंकिता वर्शिष और आई अब आपको मिलवाते हैं उस हॉर्स से जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं The very cool and happening Mohit Gulati. And I swagat karte hai, The very intelligent, independent, and very beautiful Dr. Arthi Guptaka. Please welcome motivational speaker, business guru, and our horses stable ke startup guru, Dr. Vivek Vendra, founder and CEO, Bara Business. Are you really ready? बाजार जाते होंगे आप एक दुकान पर गए एक सामान मिला दूसरा नहीं मिला उसके लिए फिर दूसरी दुकान गए फिर वहां से कुछ मिल गया कुछ फिर रह गया समय बर्बाद होता है एनर्जी वेस्ट होती है गुस्सा भी बहुत आता है कि कितना इधर उधर घूमना पड़ रहा है इस पूरे इधर उधर घूमने वाली समस्या का समाधान है हमारा अगला स्टार्टअप नमुन जैन नमन आप हमारे हॉर्सेस को बताना चाहेंगे अपने बारे में और आप क्या आज पिच करने वाले हैं यस आम नमन जोन फाउंडर ऑफ लिस्टर मार्केट प्लेस सो लिस्टर इज़ ए बी टू बी टू सी मार्केट प्लेस जो स्टोर्स को इनेबल करता है पाँच सौ रुपए महीने में बेचने के लिए चाहे वो कुछ भी बेचना चाहते हैं कंज्यूमर को एक मीडियम देता है आसपास के सारे स्टोर्स को देखने का और अपने प्रोडक्ट खरीदने का और होलसेलर को एक तरीका देता है रिटेलर्स को अप्रोच करने का इन तीनों की अपनी अपनी स्टेज है स्टेटस है हम उसको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर द एग्जाम्पल कंज्यूमर्स हम इसमें चार तरीके से इनको ऑर्डर प्लेस कराते हैं पहला इज लाइक like कि वो अपना होम ऐप खोल सकते हैं ऑर्डर ऐप देख सकते हैं नियर बाय प्रोडक्ट्स देख सकते हैं नियर बाय ऑफर्स देख सकते हैं हैं और नियर रिटेलर से खरीद सकते हैं दूसरा वो एक रिटेलर का स्टोर खोल सकते हैं रिटेलर अपना क्यू आर कोड स्कैन के साथ करा सकता है उस लिंक के साथ जाकर वो उसमें ऐड का बटन दबा के खरीद सकते हैं सेम कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज देर बट थर्ड थिंग इज़ वी इज दैट इज वर्ड कि आप आपके प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हैं उसकी पर्ची बनाइए एक किलो आलू एक किलो मैदा एक किलो समथिंग एक लीटर दूध ब्रेड एंड वॉट यू वॉन्टेड टू बाय और उसको सीधा प्लेस कर दीजिए हमारा टैग वर्क करेगा और आपको उस ऑर्डर का एक एस्टिमेट जनरेट कर देगा चार से लेकर चार सौ में यह सामान आपके पास डिलीवर हो जाएगा अगले दो से चार घंटे में डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू तो इंडस्ट्री और वो सामान इन डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर दिफ्र से पूल होता हुआ आपके पास आ जाएगा कंज्यूमर्स यहां पर एक डिलीवरी पैकेज बुक करता है तीन सौ रुपये में सौ किलोमीटर तो नंबर ऑफ डिलीवरी जो प्लॉट से आ रही है उसकी डिलीवरी डिस्टेंस काउंट होती है उस डिलीवरी डिस्टेंस को रिड्यूस हो जाता है और कंज्यूमर के पास सारा सामान डिलीवर हो जाता है सो so, उनके लिए ट्रेडिशनल बैंक शॉपिंग एक्सपीरियंस हिट हो जाता है क्योंकि खरीदने के लिए सीधा टाइप किया लिस्ट किया तो जो लोग नॉन टेक्निकल लोग थे जो इतने सालों से ई कॉमर्स प्लेसेस के थ्रू तो डिजिटाइज नहीं हुए थे उनके पास एक टैग है लिस्टर के थ्रू लिस्ट के थ्रू उसके साथ साथ अगर वो लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं बोलकर ऑर्डर दे सकते हैं उसके बाद भी टेक है फोटो स्नैप एंड सेंड टू द नियर बाय स्टोर और इसके बाद अगर आपको आसपास का स्टोर नहीं पता है और हमारा टैग पे बिलीव नहीं आ रहा हमारे मास्टर स्टोर पर प्रोडक्ट डालिए ऑर्डर्स डालिए हमारे मास्टर स्टोर से एनालाइज होगा और आपके पास ऑर्डर आ जाएगा इन द सेम साइड इट बिकम्स ए रेगुलर डेली शॉपिंग एंड डिलीवरी ऐप फॉर द कंज्यूमर वहीं रिटेलर्स के लिए बन जाता है एक जीरो कमीशन मार्केट प्लेस पांच महीना स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन टारगेट इज टू डिजिटाइज एंटाइर कंट्री स्टोर होलसेलर के लिए हमने एक मास्टर इन्वेंट्री का लिस्ट बना रखा है जो रिटेलर्स को अवेल होता है, करते हैं. Example, so carton, 101 है. In और एक बंदा सो कार्टन फॉर द सो रुपये प्राइस गेट एट द मोर डिमांड्स कम टू द लिस्ट रिटेलर्स तो वो प्रोडक्ट इनके पास अपने अपडेट हो जाता है तो रिटेलर यहाँ पर पाँच सौ रुपये में होलसेलर से प्रोडक्ट भी देख पा रहा है और उससे खरीदने की ऑर्डर भी बुक कर पा रहा है और होल सेलर्स को वो एक नेटवर्क मिल जाता है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को शो केस कर सकते हैं बेच सकते हैं तो इट कम्प्लीटली टर्नस आउट इंटू वे ये तो है बी टू बी टू सी मार्केट प्लेस नाउ लेटेस्ट सी द मोर फ्यूचर वॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट Delivery going to come out, then warehouse going to come out, then delivery going to come out, and then company going to come out. Like that, tech complete Lister and Lister go. Lister go, we have done 60%. Lister the market already worker. That is how. So our target is to digitize the entire country. So for a daily shopping and delivery app, for a zero commission marketplace, for a, for a complete marketplace and digitizing solution, Lister becomes like that. We are targeting to make this country Atmanizbah, hum That's it. Thank you. नमन ने जिस स्पीड के साथ सारी बात समझाई है <laughs> पहले तो ऑफ क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ बात समझाई है कि मेरे भी समझ में आ रही थी चीजें सबसे पहले आपसे शुरू कर लेती हूँ डॉक्टर गुप्ता कि क्या इंट्री किया आपको तो मुझे अभी इनकी बात से मतलब अदर दिन द स्पीड आई वाज रियली नॉट वेरी विद द होल दिस थिंग बिकॉज Uh, मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है मार्केट में दर इज एमेजॉन विच इज डूइंग प्राइम डिलीवरी दर इज ग्रोफर्स डूइंग टेन मिनट्स डिलीवरी तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप और क्या डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं टू क्रिएट दिस मार्केट प्लेस फॉर द ग्राफर्स एंड द प्लेयर्स लाइक दैट दे आर कैपिटल इंटेंसिव इन मॉडल इतने सालों से वर्क कर रहे हैं तो पूरी कंट्री डिजिटाइज हो जानी चाहिए थी पहली चीज़ दूसरी चीज़ चलिए कैपिटल इंटेंसिव का मतलब वेयर हाउस लेना पड़ता है उसमें स्टॉक रखना पड़ता है उसको सेल करना पड़ता है तो ट्रेडिशनल शॉपिंग प्रैक्टिस जो बाइंग प्रैक्टिस है बिजनेस प्रैक्टिस है कि माल खरीदो ट्रेड करो ऑनलाइन ऐप बना के ज़्यादा स्केल कर लो लाइक like दैट हम लोग इन लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो पूरी कंट्री में पांच सौ का सॉल्यूशन देगा तो कंपटीशन इज नॉट दैट कंपटीशन की रिटेलर्स खुद अपने आप को बोलेगा मैं ऑनलाइन हूँ और ये लोग बोलते हैं कि हमारी सेल इन लोगों की वजह से टूट गई है तो ये खुद चाहेंगे हमारा माल बेचना और कंज्यूमर को बोलेंगे तेरे को अगले दो घंटे में मैं सामान दे रहा हूँ और कॉम्पिटेटिव प्राइजे इसलिए भी आ जाएगी आपके पास क्योंकि सबके सब लोग ऑनलाइन भेजना चाहते हैं आपने अभी तक क्या अचीव कर लिया है कहा पहुंच गए आप ये जो हम हम शाम तक भी बहस करते रहेंगे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा ठीक है आपके नंबर्स आपकी क्रेडिबिलिटी बताएंगे 700 सौ स्टोर्स हमने ऑन बोर्ड कर रखे हैं कौन से शहर में जयपुर और जयपुर के नियर बाय कुछ छोटे छोटे एरिया जैसे मुंबई पे विरार एंड नायरोली सारे लोग जयपुर से ही क्यों आ रहे हैं Uh, <laughs> कितने रिटेलर हैं जयपुर में या राजस्थान में so मैं मैं तीन <laughs> सौ लोग, लोग अभी आपने हाँ, हाँ. हाँ. और लेकिन उसका एक रीजन है स्केलेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप एक ही कॉमर्स सॉल्यूशन चलाते हो उनके करते हो सात सौ को मैनेज करना बाय टीम ऑफ सेवन पीपल इज अ वेरी बिग टारगेट वन थिंग उसमें टेक के लोग भी लोग भी है ऑलरेडी देर सो इज उमर कितने अभी फाइव सिक्स थाउजेंड कंज्यूमर सात सौ दस, दस कंज्यूमर पर रिटेलर वो पांच सौ तो उसके स्केल बढ़ाने के बाद ही हम इनको कन्वर्ट करें आपने बोला बूथ स्ट्रेप्ड है हाँ. तो आपने अपना खुद का पैसा कितना डाला है आपकी नियर बाय बारह से तेरह लाख ओके अभी तो आप कितना रेज कर रहे हैं नियर बाय टू पॉइंट फाइव सी आर At what valuation? We'll targeting 25 CR as it projected. 10 एक, एक, बात हाँ, है, हाँ, आज जो एक जाते है। जीओ के जाते हैं है, है, हाँ, तो वो बहुत थक गया है हाँ, तो आपको क्या लगता है कि एक और ऐप आप, आप उसको लेके जाएंगे तो आपका कन्वर्जन बढ़ेगा पहली चीज उसका सामान रहा है दूसरी चीज उसको ले समान ले समान लेकिन काफी एप्स ये ऑलरेडी कर रही है इन द सेम वे अगर ये सारे बहुत सारे ऐसा कर रहे हैं सो तो वो जो मार्केट के अंदर हिट आना चाहिए वो अभी तक किसी का नहीं आया इन द सेम फ्लो मतलब राइट टाइम तो है मार्केट में हिट करने का इफ समी इन्वेस्ट इन दिस रिस्क इन दैट वे एंड स्केल इन टू दैट वे तो उसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है और ये फ्यूचर तो है तो इतने सारे लोग चलने का मतलब राइट टाइम है हम एक ऐप दे रहे हैं जो पांच सौ रुपए में ऑनलाइन करेगा ये लाइन हम थ्रो करते हैं अलग अलग आदमी अलग अलग इंटरप्रेट कर पांच सौ रुपए में उसको ऑनलाइन करेंगे हा? वो ऑनलाइन है ना? मुझे बताने के लिए आपको पांच हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे कि वो ऑनलाइन है Correct. आपको मालूम कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना है जो कंज्यूमर को मालूम हो कि फलाना किराना स्टोर आप पर लिस्टेड है और उसके पास चावल कितने रुपए किलो में कौन से रेट का है एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। uh, If you have not seen the app in that way, तो शायद पूरा कॉस्ट ऑफ acquisition का game ही change हो जाता मैं है। मैं क्यों करूं ऐप आप डाउनलोड आपका? वो उसकी cost लगती है ऐप download exactly करने की। Exactly the marketing cost is there, so there is... वो cost of customer acquisition कहते हैं उसे। Mavi, Mavi, let's

सजेशंस मिल गए हैं लेकिन इट्स अ नो डील फ्रॉम महावीर एज वेल मोहित व्हाट डू यू हैव टू से आप जिस स्पेस में हैं आपको अंदाजा नहीं है उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे चलती हैं ठीक है थीके, पहली बात आप आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम आपको ये नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं आप जो अभी कर रहे हैं इसकी बिजनेस वायबिलिटी स्केलेबिलिटी की नहीं है जो आपने कहा है कि ढाई करोड़ में आपको उतना स्केल मिल जाएगा वो नहीं मिलेगा ढाई कैब okay. मैं कहता हूं अगर हमने आपको 250 करोड़ भी दे दिया तो भी नहीं हो पाएगा उस वजह से आई से नो टू दिस डील

उसको प्रूफ करके फिर उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो आप उसको दिखाइए उसमें एक चैंपियन बनिए एंड ऑफकोर्स फिर उसमें आप ये ऐड करिए यानी मैं आपका भी मूड समझ गई हूँ इट्स अ नो डील फॉर योर फ्रॉम योर यस मैंने एक वेरी सिमिलर चलिए हॉर्सेस का मूड आपने समझ लिया आप डॉक्टर बिंद्रा से भी एक बार नमन की स्पिच का एनालिसिस ले लेते हैं डॉक्टर बिंद्रा नमन जी दो तीन चीजें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं यहाँ पे इंडियन रिटेल हालांकि एक ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है बहुत बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है पैंसठ परसेंट इसमें से समझो आप ग्रोसरी है और उसका 95-96 परसेंट अभी तक अनऑर्गेनाइज मार्केट है सो so, स्कोप बहुत बड़ा है पर स्कोप बहुत बड़ा है लेकिन डिलीवरी का बिजनेस नॉन रिवॉर्डिंग है डिलीवरी के बिजनेस में जोमेटो स्विगी बिग बास्केट बड़े बी टू सी प्लेटफॉर्म भी अभी तक ब्रेक इवन पर नहीं आ पाए हैं बट राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके फोकस की बहुत कमी है आपके मर्चेंट को एक अच्छा आर मिलेगा नहीं अगर आप उसे चार्ज भी करेंगे मर्चेंट एक्टिवेशन अमेजोन और फ्लिपकार्ट का भी लेस देन टेन है तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट मॉडल है और आपको लार्ज मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी थोड़े दिनों के अंदर आज फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट का भी दस हज़ार से ज्यादा एम्प्लॉइज है फॉर ईच बिजनेस

I believe in this idea and I believe on my team and me. So ये चीज़ तो होने वाली है दिस वॉट ए पार्ट ऑफ जर्नी हम आए यहाँ तक किया तो सिर्फ हाउसेज स्टेबल या हाउसेज की वजह से हम लोग ग्रो नहीं करने वाले थे सो so, ग्रोथ तो आएगी और मे बी इन द नेक्स्ट टाइम समवेयर वी मैट एंड वी रियलाइज क्यू मैन अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन री थिंक द माइंड वी आर मतलब इट्स अ गेम नुकसान में होंगे यू you नो know, मैं हर ऑन्टरप्रेनर को ये सलाह देता हूँ कि मैं अगर कहूँ आपके बिज़नेस के बारे में या मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो आपको गुस्सा आए या बुरा लगे उसको घर लेके जाइए और दो गुना ज़्यादा काम करके प्रूव मी रॉन्ग मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गलत प्रूफ करें मैं चाहता हूँ कि हम सारे यहाँ पे गलत प्रूफ किए जाएं और अगर हम सही प्रूफ किए गए तो हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे कि आपका एक कॉन्ट्रिमेंटल ड्रीम ख़त्म हो गया और आपके साथ पाँच सात और घर का जो आमदनी था वो बंद हो गया उसके उसका कोई जश्न नहीं हमें बस इसी थॉट के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप घर जाइए और इस पे विचार कीजिए <laughs> नमन इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से ले रहा है इस पर मैं आप मैं चाहूंगी कि आप नमन को गाइड करें नमन सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ आपकी एनर्जी और पैशन को आपका एनर्जी और पैशन आपका पर्पस वो भी बहुत अच्छा है विजन भी बहुत दूर तक का है और यही एनर्जी पर्पज़ पैशन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर कठिन परिस्थितियों में आपको ब्रेक डाउन नहीं होने देगा ब्रेक थ्रू कराएगा आप क्राई नहीं करेंगे दोबारा ट्राई करेंगे आप स्ट्रांगली मेंटल होने की जगह जहां हो जाते हैं लोग आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे आपके लिए होपलेस एंड end, आपको एंडलेस होप क्रिएट करके देगा नमन दर इज अ दिस वे टू गो और ये जो पैशन है इसको मेंटेन रखिए इस एनर्जी को मेंटेन रखिए आप हर बार बाउंस बैक कर पाएंगे और आप जल्दी ही निश्चित रूप से बड़ा बिजनेस भी खड़ा करेंगे थैंक यू सो मच डॉक्टर बेशक ना मिली है हर तरफ से लेकिन क्या आज अपने साथ लेकर जा रहे होनीयर मतलब, है वेरी yeah, क्लियर वो मेरे को दिखता है जहाँ जाना है वहां जाके जाएंगे क्योंकि so, अभी तक चलते आए तो आगे फिर जाना है सो इट नॉट ए प्रॉब्लम ठीक है बट हाँ ये है कि क्लियर है जाना खाया वो पता है जो बस अब ठीक है जितनी ग्रोथ रेट है उसके ऊपर वर्क करना है किस दिन फास्ट कर दे कि दस लोग दे डिपेंड्स ठीक है जजेस की तरफ से हमारे हॉर्सेस की तरफ से और मेरे तरफ से वी विश यू ऑल द लक एंड ग्रेट सक्सेस नमन ऑल द बेस्ट चलिए थैंक यू थैंक गुड लक मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ महावीर जी आ, देख के नमन को क्योंकि yeah, yeah. उनका पैशन और जो कन्विक्शन थी वो उनके आइडिया से बड़ी नजर आ रही थी मुझे okay. और शायद मुझे लगता है इन अ लेम लैंग्वेज वो ही मिसमैच था सम नहीं आई यू नो आई समटाइम्स आई फील दैट हमारा एज इन्वेस्टर्स मेंटर्स बहुत कठिन काम है आई थिंक uh, जो जीता वही सिकंदर एंड आई एम होपिंग कि ये भी सिकंदर बन के आएंगे एक दिन

फॉर एवरी वन ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं हम शायद निन्यानवे या शायद उससे हज़ारों ट्रांजेक्शन ना बोलते हैं और ना बोलना मुश्किल है हमारे लिए भी सिर्फ जज्बात से तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता इस तरह का फैसला और ख़ासतौर तो पर बिजनेस है ना अंकिता वो काफ़ी यंग है वेरी पैशनेट मैं वो उनको सल्यूट करती हूँ इन आंट्रप्र स्परिट बट ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से हमारा सारा कलेक्टिव फीडबैक बहुत पॉजिटिवली लें और उस पर काम करें वर्क हार्डर एंड कम बैक विद न्यू प्लान आज बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल जो जीता वही सिकंदर में मेरे साथ इतना ही फिर होगी मुलाकात कुछ और स्टार्टअप्स और हमारे हॉर्सेस के साथ